हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स अगर आप क्लास टेंथ के 2023 बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं और आपने एनसीआरटी से टिग्नोमेट्री कर ली है लेकिन बोर्ड से इशूड सैम्पल पेपर देखने के बाद आपको टिग्नोमैट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए ही है इसमें मैंने अपने 25 फाइव ईयर्स के एक्सपीरियंस से जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और सैम्पल पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो इंक्लूड किए हैं ये रिवीजन ऑफ टिक्नोमैटिक सीरीज चार पार्ट्स में डिवाइडेड है पहले पार्ट में फॉर्मूला शीट यानी कि बेसिक समझाए गए हैं और वन मार्क क्वेश्चन लिए गए हैं सेकेंड पार्ट में टू मार्क्स क्वेश्चन लिए गए हैं थर्ड पार्ट में थ्री मार्क्स क्वेश्चन लिए गए हैं और फोर्थ पार्ट में हाइट एंड डिस्टेंस केस के स्टडी क्वेश्चन लिए गए हैं उम्मीद है कि आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आएगी अगर आप इसे पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करके YouTube को बताइए कि ये यूजफुल है शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका फायदा उठा सके कमेंट करके हमें बताइए कि आपको इस तरह की टेस्ट सीरीज किन और टॉपिक्स पर चाहिए उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलास को रिवाइज कर लेते हैं सपोज एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है अगर हम अकॉर्डिंग टू एंगल ए देखें तो ये एंगल राइट एंगल है अगर ये एंगल राइट एंगल है तो इसकी ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी और लॉन्गेस्ट साइड होगी टेंथ क्लास की टिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है अगर एंगल बी 90 डिग्रीज है तो इसकी ऑपोजिट साइड हमेशा लॉन्गेस्ट होगी और हाइपोटेन्यूज कहलाएगी अगर हम इस एंगल ए की बात कर रहे हैं ए बी बेस साइड होगी और बी सी परपेंडिकुलर साइड सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं हमारे पास साइन कॉस टेन कॉसिक सीकेंड एंड कॉट इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहा जाता है क्योंकि ये दो साइड्स की रेशोज हैं अगर हम बेस को सिक्स ले लें और परपेंडिकुलर एट हो और हाइपोटेन्यूस टेन हो तो अगर हम साइन ए की बात करें तो ये परपेंडिकुलर टू हाइपोटिन्यूस की रेशो है तो साइन ए आएगा एट डिवाइडेड बाय टेन लेकिन हम इसे ए डिवाइडेड बाय टेन नहीं लिखेंगे हम इसे लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे जैसे कि ये फोर है और ये फाइव है फोर डिवाइडेड बाय फाइव तो हमने देखा कि ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया है ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया है तो ये साइड्स की रेशियो है फोर इस टू फाइव तो इसलिए हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहते हैं अगर हम सिर्फ साइड्स में लिखते तो हम एट डिवाइडेड बाय टेन छोड़ते इसको पर हम इनको लोएस्ट फॉर्म में ले आए हैं इसलिए ये रेशो के फॉर्म में आ चुकी है तो इनको हम सिक्स टिक्डोमैटिक रेशोस कहते हैं इनको आसानी से याद किया जा सकता है साइने पर पेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज़ हेयर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज़ और बी सी डिवाइडेड बाय ए सी हेयर कौसे बेस अपॉन हाईपोटिन्यूज हेयर बेस अपॉन हाईपोटिन्यूज ए बी डिवाइडेड बाई ए सी टेने पर पडिकुलर टू बेस हेयर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस बीसी डिवाइडेड बाय ए बी कौसे के साइने का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट ए कौसे का रेसीप्रोकल होता है और कॉट ए टेने का रेसिप्रोकल होता है यानी कौसे के बन गया हाइपोटेन्यूस टू परपेंडिकुलर हेयर ए सी टू बीसी की रेशियो सीकेंट ए हाइपोटिन्यूस टू बेस की रेशियो होती है AC2 AB here and cot A base to perpendicular यानी कि AB2 BC की ratio here तो हमने six trigonometric ratio सीखी हैं so हमारी six trigonometric ratios हैं अगर हम इसे sin A cos A tan A और उसके बाद हम cosec A secant A and cot A तो साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर टू हाईपोर्टिन्यूस हेयर परपेंडिकुलर टू हाईपोर्टिन्यूस कॉस ए होगा बेस टू डिवाइडेड बाय हाईपोटिन्यूस एंड टेन ए में हाईपोटिन्यूज नहीं आएगा पेंडिकुलर टू बेस कॉसिक में उल्टा चलेगा हाईपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर पेंडिकुलर में हाईपोटिन्यूस टू बेस एंड कॉट ए में बेस टू पर सो ये हमारी सिक्स टिक्डोमैटिक रेशियोज हैं साइन ए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई हाईपोटे टेन ए परपेंडिकुलर टू बेस कॉसे के हाइपोटिन्यूस टू परपेंडिकुलर एंड सेके हाईपोटिन्यूस टू बेस एंड कॉटे बेस टू परपेंडिकुलर हेयर सो दीज आर आवर सिक्स टिकनोमेटिक रेशियोज अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो रेसिप्रोकल रिलेशन है वो ये है कि साइन थीटा एंड कॉसिक थीटा इनका प्रोडक्ट वन है यानी साइन थीटा वन डिवाइडेड बाय बाई थीटा एंड कॉसिक थीटा वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनमें रेसिप्रोकल रिलेशन है इसी तरह से कॉस थीटा और सेक थीटा इनमें भी रेसिप्रोकल रिलेशन है यानी कि कॉस थीटा वन डिवाइडेड बाय सेक थीटा होता है और सेक थीटा वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है इसी तरह से टेन थीटा एंड कॉट थीटा में भी रेसिप्रोकल रिलेशन है यानी टेन थीटा वन डिवाइडेड बाय कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा वन डिवाइडेड बाय टैन थीटा होता है अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया थीटा क्या है अननोन एंगल को थीटा कहते हैं अगर ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल हम थीटा ले लेते हैं तो अननोन एंगल को थीटा कहते हैं जैसे हम अननोन नंबर को एक्स ले लेते हैं वाई ले लेते हैं जेड ले लेते हैं इसी तरह से हम अननोन एंगल्स को अल्फा बीटा गामा थीटा इस तरह से लेते हैं और आपके टेंथ में बार बार थीटा का यूज़ किया जाएगा अब एक फोर्थ रिलेशन भी है टेन थीटा टेन थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा जो कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है यह आया कैसे आप खुद ही देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज अगर हम साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कर देंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एंड बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ये हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट गया और हमारे पास बचा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस और हम जानते हैं ये टेन थीटा होता है टेन थीटा रेशो होती है परपेंडिकुलर टू बेस की इसी तरह से कॉड थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है इसलिए वो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है इस तरह से ये चार फॉर्मूलाज और इसमें हमें ये याद रखना है कि साइन थीटा कॉसिक थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं कॉस थीटा सेक थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं टेन थीटा कॉट थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं इसके अलावा टेन थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है और कॉर्ट थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है कुछ फैक्ट्स भी हैं वैल्यूज़ को लेकर के और इन पर वन मार्क क्वेश्चन आते रहते हैं इसलिए मैंने इनको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है अगर आपको रीजन भी चाहिए तो वो भी एक्सप्लेन किया है साइन थीटा और कॉस थीटा इनकी वैल्यू वन और वन से कम ही होती है कभी भी इनकी वैल्यू वन से ज़्यादा नहीं होती जैसे कि साइन थीटा आपको टू नहीं मिलेगा इसी तरह से कॉस थीटा भी आपको थ्री नहीं मिलेगा या फिर साइन थीटा आपको सेवन डिवाइडेड बाई टू नहीं मिलेगा क्योंकि ये थ्री पॉइंट फाइव हो जाता है और कॉस थीटा भी आपको कभी भी नाइन डिवाइडेड बाई फोर टाइप्स नहीं मिलेगा क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाई होता है और कॉस थीटा बेस डिवाइडेड बाई हाई होता है हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाई हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है यानी कि ये वैल्यू डिनोमिनेटर की हमेशा न्यूमरेटर से बड़ी होगी यहां पर भी यही होगा डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ी होगी जब भी ऐसा होता है तो ये जो साइन थीटा है वो हमेशा वन और वन से कम आ जाएगा कॉस थीटा में भी यही होगा यहां पर ये यह रीजन अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा ऑलवेज रिमेन्स लेस देन इक्वल टू वन रीजन इज दैट साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटिन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल सो हेयर डिनोमिनेटर इज मोर देन द्यूमिनेटर सो साइन थीटा एंड कॉस थीटा कैन नेवर टेक द वैल्यूज लाइक थ्री डिवाइडेड बाई टू और फाइव डिवाइडेड बाय टू और सेवन डिवाइडेड बाय फाइव एटसेट्रा अब यहीं पर कॉसेक थीटा और सेक् थीटा साइन और कॉज के रेसिप्रोकल है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा या कौसिक थीटा और सेक् थीटा की वैल्यूज हमेशा वन और वन से बड़ी होंगी क्योंकि कौसिक थीटा हाइप्रोटिन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर है सेक थीटा भी हाइपोटीन्यूस डिवाइडेड बाय बेस है और हाइप्रोटिन्यूज लॉन्गे साइड होती है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा तो इसीलिए ये जो वैल्यू बनेगी ये वन और वन से बड़ी बनेगी द वैल्यूज ऑफ कौसिक थीटा एंड सेक थीटा ऑलवेज रिमेन्स मोर देन इक्वल टू वन रीजन इज कॉसिक थीटा इज हाइपोटीड बाई पर पेंडिकुलर से लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल सो हियर डिनोमिनेटर इज लेस न्यूमरेटर सो कॉसिक थीटा एंड सेक्टा कैन नेवर टेक दैल्यूज लाइक हाफ और टू डिड बाई फाइव और फाइव डिवाइडेड बाई सेट्रा और जहां तक टेन थीटा एंड कॉर्ड थीटा का सवाल है ये कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं The values of tan theta and cot theta can be any real number. They can take any real number. ये कितनी भी बड़ी से बड़ी हो सकती है और छोटी से छोटी values ले सकते हैं आगे जाके classes में आप देखेंगे कि ये negative values भी लेते हैं अब कुछ identities. इन्हें आइडेंटिटीज कहा जाता है क्योंकि हम थीटा की जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे ये हमेशा ट्रू मिलेगी तो पहली आइडेंटिटी है कॉस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू वन आप कभी सोचें कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा भी वन होगा तो ये गलत है या कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा भी वन होगा तो ये भी गलत है ओनली कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू वन होता है और इसी से हमारे पास दो और आइडेंटिटीज डिराइव होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोमेट्री के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा इज वन माइनस स्क्वायर थीटा ये कॉ थीटा को राइट right साइड पे ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉ स्क्वायर थीटा एंड सिमिलरली कॉ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा टेकिंग दिस साइंस थीटा टू द राइट साइड सो दिस इज द मेन आइडेंटिटी मेन ट्रिग्नोमेट्री इसी आइडेंटिटी के आसपास घूमती रहती है कॉ थीटा प्लस थीटा इक्वल टू वन and from here sin square theta is one minus cos square theta and cos square theta is वन minus sin square theta अब अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि cos cube theta क्या होता है तो मैं आपको ये बता दूं cos cube theta को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये एक तरह से cos theta तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा है लिखने का तरीका ये है जैसे कि tan 4 theta इसका मतलब है tan theta फोर टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और tan थीटा रेस टू द दार फोर हो जाएगा अगर आपके पास tan की वैल्यूज है तो आप इसे पुट कर सकते हैं और अब सेकेंड आइडेंटिटी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सिकेंड स्क्वायेर थीटा ये भी एक आइडेंटिटी है इसमें इसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं हम चाहे तो वन उधर ले जा सकते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्र थीटा माइनस वन हो जाएगा या फिर हम वन को यही रहने देंगे और सेक्स स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे ये ज़्यादा यूज होता है सेक्स स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन सेम इसी पर बेस्ड है वन प्लस कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा वन प्लस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी वही है हम वन को उधर ले जा सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि हम वन को यहीं छोड़ दें तो कौसिक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा वन होता है हम इन सबको यूज करने वाले हैं और ये मेन आइडेंटिटीज हो गई ये सबको याद होनी चाहिए और इनके ये नीचे जो सब फॉर्मूलाज हैं ये भी याद रहने चाहिए वैसे तो हमारे पास सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं पर अगर हमें तीन वैल्यूज याद रहती हैं टेबल से तो हम बाकी की तीन रेसिप्रोकल से बना लेते हैं देखिए कुछ लोग टेबल बनाने में लगे रहते हैं मेरा एडवाइस है टेंथ क्लास में ये आप बिल्कुल मत करना टेबल बनाने में अपना टाइम ख़राब नहीं करना क्योंकि तो टेबल बनाना सिखाना मेरे लिए भी कोई मुश्किल नहीं है आपको लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी वैल्यूज ऐसी आती हैं तो आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं होगा कि ये कौन से एंगल के लिए आता है या कुछ भी है इसको याद रखने में सिर्फ इतनी सी वैल्यूज़ को याद रखने में कहाँ तकलीफ है जीरो थर्टी डिग्रीज फोर्टी फाइव डिग्रीज सिक्सटी डिग्रीज नाइन्टी डिग्रीज ये तो सिर्फ एंगल है और साइन थीटा की वैल्यूज़ होती है जीरो हाफ वन डिवाइडेड बाय रूट टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू एंड वन बस इतनी सी वैल्यूज़ हैं ज़ीरो हाफ वन डिवाइडेड बाय रूट टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू एंड वन जब कॉस थीटा आता है तो उल्टी चल पड़ती हैं यानी जीरो पे वन आ जाता है ये ज़ीरो डिग्रीज है जीरो पे वन आ जाता है थर्टी पर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू और 45 डिग्रीज पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं साइन थीटा कॉस थीटा 60 डिग्रीज़ पर अब हाफ आ जाता है और 90 डिग्रीज़ पर ज़ीरो टेन थीटा ये सिर्फ आपको थोड़ा सा याद रखना होता है जीरो पर ज़ीरो होता है थर्टी डिग्रीज पर वन डिवाइडेड बाई रूट थ्री डिग्रीज़ पर वन सिक्सटी डिग्रीज़ पर रूट एंड नाइन्टी डिग्रीज़ पर नॉट डिफाइन तो यही टोटल वैल्यूज अगर आपको याद रहती हैं तो आप बाकी सारी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं अब हम ये देखते हैं कि सपोज हमें कॉसिक थर्टी डिग्रीज चाहिए तो हम क्या करेंगे हम वन डिवाइडेड बाई साइन थर्टी लिख सकते हैं और हमें साइन की वैल्यू याद होती है हाफ तो ये टू हो गया इसी तरह से अगर हमें कॉट चाहिए फोर्टी फाइव डिग्रीज तो हम वन डिवाइडेड बाई टेन फोर्टी फाइव लिख सकते हैं और ये आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय वन आंसर वन अब अगर ऐसा भी हो सकता है कि हमें सीकेंड जीरो डिग्री चाहिए हो तो वो हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय कॉ जीरो डिग्रीज और हम जानते हैं कॉ जीरो डिग्रीज वन होता है सो आंसर वन आ गया इसको इसी तरह से हम रेसिप्रोकल रिलेशन से रेस्ट ऑफ द वैल्यूज को निकाल सकते हैं अगर आप टेबल को सिर्फ इतना ही याद रखते हैं तो आपके लिए काफी है अब हम वन मार्क क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हम वन मार्क के उन क्वेश्चन को लेंगे जो सैम्पल पेपर 2023 में दिए गए हैं मालूम है कि वन मार्क के ट्वेंटी क्वेश्चन आएंगे अब इस बार जो सैम्पल पेपर इशू हुआ है उसके अंदर तीन क्वेश्चन आपको वन मार्क के टिग्नोमेट्री पर बेस मिले हैं और तीनों ही क्वेश्चन अच्छी खासी नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चन को ही करके देखते हैं और ये जो वन मार्क क्वेश्चन हैं ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं इसमें आपको चार चार ऑप्शन मिले हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है लेकिन इनको करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है आप सिर्फ देख करके टिक मार्क नहीं कर सकते इनमें नॉलेज पूरी यूज होती है बस आपको लिख के नहीं करना होता आपको सिर्फ आंसर से टिक मार्क करने होते हैं पर आपको इसकी रफ साइड यूज करनी पड़ती है अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक्स टेन सिक्सटी डिग्रीज कॉस सिक्सटी डिग्रीज इजिक्वल्स टू साइंस 60 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज और हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू बतानी है तो इसमें हमें इतनी सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए हमें अपने लिए लिखना है तो हम रफ साइड पर लिखेंगे एक्स टाइम्स यहाँ हुआ टेन सिक्सटीज टेन सिक्सटी डिग्रीज होता है रूट थ्री कॉ सिक्सटी डिग्रीज हाफ इज इक्वल्स टू साइंस सिक्सटी डिग्रीज रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू कॉ सिक्सटी डिग्रीज वन डिवाइड बाय रूट थ्री तो हम देख सकते हैं राइट साइड पे रूट थ्री रूट थ्री कट गया और हाफ रह गया लेफ्ट साइड का क्या हुआ दिस इज एक्स रूट थ्री डिवाइडेड बाई टूल टू, टू हाफ अब हमें एक्स को अकेला करना है तो हम रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एक्स आ जाएगा हाफ टाइम्स टू डिडेड बाय रूट थ्री और ये कट गया एक्स आ गया वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री अब ये खुद ही देखिये ये मेंटली नहीं हो सकता था आपको इसे लिख के ही करना पड़ा लेकिन इसे आपने अपने लिए लिखा और रफ साइड पे लिखा तो वन मार्क के क्वेश्चन भी कोई आ, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है इनको भी सॉल्व करना पड़ता है और इनमें पूरी नॉलेज यूज़ हो रही है अब एक्स आया आपके पास वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री अभी भी आंसर सीधा नहीं है आपसे कहा गया है कि कॉस थर्टी डिग्रीज टेन थर्टी डिग्रीज साइन थर्टी डिग्रीज कॉ थर्टी डिग्री हम जानते हैं कॉस थर्टी डिग्रीज रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू है तो ये आंसर सेम नहीं है टेन थर्टी डिग्रीज वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री है और ये भी वन डिवाइडेड बाई रूट थ्री है बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है साइन थर्टी डिग्रीज हाफ होता है और कॉर थर्टी डिग्रीज रूट थ्री होता है तो डेफिनेटली बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन पर आपने देखा इसमें अच्छी खासी वर्किंग थी जो कि हमें दिखानी नहीं थी तो नॉलेज पूरी ले ली गई है बस ओनली यू डोंट नीड टू शो द स्टेप्स तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी पार्ट ये सेकेंड क्वेश्चन साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू रूट टू वॉट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा अब अगर हमें साइन थीटा और थीटा दिया गया और वैल्यूज टेन थीटा और कॉट थीटा की पूछी गई है तो ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है कि आपने इसको देखा और आपने आंसर लिख दिया ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो अब कैसे चलेगा देखिए जब भी आपको साइन थीटा प्लस कॉस् थीटा की वैल्यू कुछ भी मिलती है मेरा सजेशन है कि आप उसको दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए लाइक दिस ऐसा करने से ये इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी होल स्क्स बी स्क्स टू ए बी तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट टू स्क्वायर इज टू

ये होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हम जानते हैं टें थीटा साइन अपॉन कॉस होता है और कॉ थीटा कॉस अपॉन साइन होता है अगर हम एलसीएम लेंगे नीचे साइन थीटा कॉस थीटा आएगा ये साइन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर थीटा साइंस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा वन होते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉ थीटा यहाँ से आपके पास हाफ आया हुआ है अगर ये हाफ़ है तो हम यहाँ पर हाफ पुट कर देंगे और ये टू हो गया यानी इसका आंसर है टू ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है पर आपने देखा कि इसकी वर्किंग कितनी सारी थी और इसे वन मार्क में दिया गया है और इस वर्किंग के अलावा भी अगर आप सोच रहे हैं कोई और शॉर्टकट होगा और मैंने इसको अलग तरह से किया है तो मैं आपको ये बता दूं कि अलग शॉर्टकट नहीं है अगर आप सीधे तरीके से जाएंगे तो यही एक तरीका है अब आपको यहां पर कुछ स्टेप्स को जानने की जरूरत है यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि कभी भी आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू समथिंग मिलता है जैसे यहां पर रूट टू मिला है आप हमेशा दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए और आप समझ जाइए कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा वन बनाएगा और इस तरह से आप साइन थीटा थीटा निकाल पाएंगे और जब भी आपको टेन थीटा प्लस कॉड थीटा मिलता है तो आप समझ जाइए कि ये साइन थीटा अपऑन कॉस थीटा होगा और ये कॉस थीटा अपऑन साइन थीटा होगा और जिस वक्त आप इसका एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर वन हो जाएगा यानी कि वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉसिटा थीटा बनेगा ये चीज आपको हमेशा मेमोरी में रखनी है कि टें थीटा प्लस कॉर्ट थीटा फाइनली वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉसिटा बन सकता है ताकि आप इस तरह से वैल्यूज़ को यूज कर सकें अब यहाँ से ये वन बना और आप यहाँ से आसानी से cos कॉशिटा निकाल सकते हैं पर अगर आप सोचते हैं कि मुझे कैसे स्ट्राइक किया तो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से मिलती हैं वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉसिटा में बदल जाता है तो मुझे पता था और मुझे यह भी पता था कि अगर मैं इधर स्क्वायरिंग करूंगी तो मुझे वन प्लस टू साइन थीटा कॉसिटा मिलेगा मैं साइन थीटा थीटा की वैल्यू निकाल पाऊंगी तो इस तरह से आप भी आगे किसी भी आइडेंटिटी में या कहीं भी यूज होता है तो इस तरह की बातों को याद रखें तो इस तरह से यहां भी ऑप्शन बी काम करेगा वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस थीटा इज टू अब थर्ड क्वेश्चन ये जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है इसे करना बहुत आसान है लेकिन अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर इसे करने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा जैसे कि हमारे पास दिया गया है टेन बीटा इज इक्वल्स टू फोर डिवाइडेड बाई फाइव हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं और बीटा एंगल को यहाँ ले लेते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था एल्फा बीटा गामा थीटा ये सब अननोन एंगल्स हैं और हमेशा यहाँ लेने की कोशिश करनी चाहिए टेन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर टू बेस की रेशो होता है यानी हम इसे फोर और इसे फाइव ले सकते हैं अगर हम इसे फोर और इसे फाइव लेते हैं तो हमें अब हाइपोटिन्यूस निकालने की जरूरत पड़ेगी उससे हम साइन बीटा कॉस बीटा निकालेंगे और यहां वैल्यूज पुट करेंगे पर क्या हम इसे इतना लेंदी तरीके से करेंगे नहीं मैं आपको यहां पर एक शॉर्टकट मेथड देने वाली हूं जो बिल्कुल आसानी से इस पर एप्लीकेबल होगा इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपको टेन ऑफ अननोन एंगल चाहे थीटा होगा अल्फा बीटा गामा जो भी होगा यहाँ पर फोर डिवाइडेड बाय फाइव मिलता है तो आप इस सब को टेन थीटा में बदल सकते हैं कैसे वो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस बीटा से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जो टेन बीटा होता है साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा होता है तो हम करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस बीटा अगर हम कॉस बीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस बीटा यहाँ भी डिवाइड करेगा यहाँ भी डिवाइड करेगा यहाँ भी डिवाइड करेगा और यहाँ भी डिवाइड करेगा ये तो वन में बदल गया ये भी वन में बदल गया ये साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा तो टेन बीटा में बदल गया यहाँ पे सिर्फ टू रहा और ये भी टेन में बदल गया और यहाँ पर सिर्फ टू रहा अब देखिए बहुत आसान हो गया टेन बीटा की वैल्यू तो हमें पहले से ही मालूम है फोर डिवाइडेड बाई फाइव ये क्वेश्चन भी इसी तरह के बने हुए आते हैं जिससे आप आसानी से वैल्यूज़ को पुट कर सकें लाइक like दिस अब ये फाइव फाइव कट गया यहाँ भी फाइव फाइव कट गया और ये बचा फोर माइनस टू डिवाइडेड बाय फोर प्लस टू और टू डिवाइडेड बाय 3 और ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन अब इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपको ये भी पॉसिबल है कि आपको कॉट थीटा दिया जाए सपोज कोई भी वैल्यू दे, दे देते हैं कॉट थीटा की से थ्री डिवाइडेड बाय टू और समथिंग और यहां पर कुछ इसी टाइप का एक्सप्रेशन हो से टू साइन थीटा प्लस सेवन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टू साइन थीटा माइनस सेवन कॉस थीटा इस तरह की कोई भी वैल्यू आपको दी जाती है अगर ये कॉट देते हैं तो आप साइन से डिवाइड करिए तो अगर आप साइन से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे यानी साइन थीटा इधर भी आ जाएगा इधर भी आ जाएगा इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा तो ये चीज़ वन हो गई टू प्लस सेवन टाइम्स ये कॉट थीटा में बदल गया एंड टू माइनस सेवन थीटा अब आप आसानी से यहां पर थीटा की वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल पाएंगे तो ये तो थे वन मार्क क्वेश्चन जो सैंपल पेपर में दिए गए और आप खुद ही देख सकते हैं वन मार्क क्वेश्चन में तीन टिक्नोमेट्रिक के इंटेलिजेंट क्वेश्चन डाले गए इससे इनकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है आपके लिए तीन मार्क्स इंपॉर्टेंट है तो आपको इनको गेन करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ एनसीआरटी करने से काम नहीं बनेगा और आप अब घबराइए नहीं क्योंकि आगे हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड हैं और इन्हीं तरीकों पर बेस्ड हैं और पुराने पेपर्स में आते रहे हैं या एक्सपेक्टेड रहे हैं वे सारे क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं वन मार्क मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है ये वैसे एनसीआर का क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा चेंज करके पुराने पेपरों में दिया गया था मैंने भी उसी को उठाया है ये क्वेश्चन आसान था लेकिन कुछ लोगों ने इसे लंबे मेथड से किया और हमारे पास अब पता नहीं ऑप्शन के साथ आए तो हम कैसे करेंगे मैं आपको इसका आसान तरीका बताने वाली हूँ देखिए आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ दोनों में टू प्लस टू साइन थीटा है यहाँ पर टू माइनस टू कॉस थीटा है जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है वहां पर वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा दे रखा है और नीचे वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा दे रखा है ये आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ही क्वेश्चन आ जाता है जहां पर बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती और वो ट्राइंगल बना के जैसे कॉर्ड थीटा फिफ्टीन डिवाइडेड बाई एट दे रखा है तो फिफ्टीन डिवाइडेड बाई एट लेंगे फिर यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे और साइन और कॉज की वैल्यूज निकाल के पुट करेंगे और फिर से सॉल्व करेंगे लेकिन अभी मैं इसका मेथड चेंज कर दूंगी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं इस ब्रैकेट से टू कॉमन ले लूं और इस ब्रैकेट से भी टू कॉमन ले लूं तो ये क्वेश्चन सेम है यहाँ टू से टू कट जाएगा यही बचेगा तो इन्होंने एक तरह से बच्चों को थोड़ा सा इंटेलिजेंट क्वेश्चन बना के दिया अब देखिए वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा आप खुद ही बताइए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ पर क्या बना वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ क्या बना वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने आइडेंटिटीज में सीखा था वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है तो ये क्या बन गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल स्क्वायर बट कॉ थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉट थीटा होता है यानी यह है अब कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है और ये सिर्फ कॉर्ट स्क्वायर थीटा है यानी ओवरऑल ये कहाँ पहुंचा ये सिर्फ इसका स्क्वायरिंग करना है कॉट का स्क्वायरिंग करना है यानी डिवाइडेड है।, है अगर आपने एनसीआर टी से क्वेश्चन किया हुआ है या आपने यहाँ से भी देख लिया है कि टू टू कट जाता है और ये सेम क्वेश्चन में बदल जाता है तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे और अगर यही क्वेश्चन पॉपी से आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे अब ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन लिया है जैसा हम बात कर रहे थे आपके पास कॉटे दिया गया ट्वेल्व डिवाइडेड बाई सिक्सटीन और आपको वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे देखिए साइन कॉस और साइन कॉस है यानी कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल वैसा ही है यहाँ हम क्या करेंगे कॉट ए ट्वेल्व डिवाइडेड बाय सिक्सटीन यानी थ्री डिवाइडेड बाय फोर कर देंगे और यहाँ हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है तो हमने इसको कॉट में बदलना है अगर हम इसे कॉट में बदलना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि कॉट ए होता है कॉस से डिवाइडेड बाय साइन ए यानी हमें यहाँ पर साइन से डिवाइड करना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइने से डिवाइड करते हैं तो सबके नीचे साइन आ जाएगा जैसे कि साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉ से डिवाइडेड बाय साइन ए साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस और ये कॉट में बदल गया सो वन प्लस यहां से और हम इनको सॉल्व कर लेंगे दिस विल बी फोर प्लस थ्री डिवाइडेड बाई फोर डिवाइडेड बाय फोर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर फोर से फोर कट गया सेवन सो so, इसका आंसर क्या है सेवन इसी तरह से ये क्वेश्चन भी दिया गया है हमें शो करना है कि ये वन डिवाइडेड बाई सिक्स है मैंने यहाँ पे लिख दिया आप शो करिए पर हो सकता है ये क्वेश्चन आपको शो करना नहीं आएगा वहां तो ऑप्शन आएंगे कि कौन सा आंसर राइट तो ये अगर हमने लिया टेन थीटा फोर डिवाइडेड बाय फाइव और हमने समझ लिया कि हमें कौ से डिवाइड करना है तो हम जान चुके हैं ये फाइव टेन थीटा माइनस थ्री बनेगा और ये बनेगा फाइव टेन थीटा प्लस टू अब हम यहाँ पर टेन की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर भी फाइव से फाइव कट गया फोर माइनस थ्री फोर प्लस टू वन डिवाइडेड बाय सिक्स सो वी आर एबल टू गेट द आंसर वन डिवाइडेड बाय सिक्स ये भी कुछ पॉपुलर क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है आप देख रहे हैं कि टेन थीटा ए डिवाइडेड बाय बी है अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें कॉस से चारों को डिवाइड कर देना चाहिए अगर हम यहाँ कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये टें थीटा में बदल जाएगा यहाँ डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा बी रह जाएगा यहाँ डिवाइड करेंगे तो फिर से टें थीटा में बदल जाएगा और यहाँ डिवाइड करेंगे तो प्लस बी आ जाएगा अब हम टेन थीटा की जगह पुट करेंगे ए डिवाइडेड बाय बी यहाँ पर भी ए डिवाइडेड बाय बी प्लस बी अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसे बन जाएगा और अगर हम एलसीएम लेंगे बीबी कट जाएगा और आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सो इसका आंसर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यह भी सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ही है और मेरे ख्याल से आप आसानी से कर पाएंगे अब इसे अब ये क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है क्योंकि इसमें साइन थीटा कॉ थीटा दिया गया है और आ, हम कॉस स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो एक कॉस कट जाएगा यहाँ पे और यहाँ टेन थीटा आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा वन आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा नीचे कॉ थीटा आएगा तो आप साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉ थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये टेन थीटा बन जाएगा और 12 डिवाइडेड बाय 13 एंड 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169 जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर आपको tan थीटा दिया गया है और इसकी वैल्यू मांगी गई है आपके पास दोनों ऑप्शन हैं अगर आपको नहीं स्ट्राइक करता है तो आप आराम से फिगर बनाइए थीटा लीजिए यहाँ पर मैं हमेशा थीटा यहीं लेने की कोशिश करती हूँ तो इससे हमारे को आसानी रहती है क्योंकि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो हम इसे वन और इसे रूट सेवन ले पाएंगे और जब हमें ए सी स्क्वायर निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर बनेगा वन प्लस सेवन एट यानी ए सी आ जाएगा टू रूट टू अब टू रूट टू कैसे आया बिकॉज जो ए सी है वो रूट एट होगा रूट एट कैन बी रिटर्न एज टू इंटू टू इंटू टू तो रूट एट हमेशा टू रूट टू बनाता है तो इसीलिए ये टू रूट टू है अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए सेक थीटा एंड कौसिक थीटा तो सेक थीटा बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कौसिक थीटा बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आप चाहें तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप इसे रूट एट भी लिखा रहने से दे सकते हैं अब क्योंकि यहां तो स्क्वायर्स हैं तो हट जाएगा अब कौशिक थीटा कौशिक थीटा में आपने रूट एट पुट किया तो एट आ जाएगा सेक थीटा एट डिवाइडेड बाई सेवन आ जाएगा इधर में एट प्लस एट डिवाइडेड बाई सेवन आप एलसीएम लेंगे तो सो आंसर आ गया थ्री डिवाइडेड बाय फोर आप चाहें तो यहाँ एट कॉमन लेकर के भी आसानी से कर सकते थे अगर हम एट कॉमन लेते तो ये वन माइनस सेवन आ जाता और नीचे भी वो और आसानी से हो जाता ये आ जाता सेवन माइनस वन डिवाइडेड बाय सेवन एंड सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाय सेवन तो सिक्स डिवाइडेड बाई एट थ्री डिवाइडेड बाय फोर लेकिन आप चाहते तो बिना फिगर बनाई भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे वो कैसे हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं जिसमें आ, हम जानते हैं कि इन आइडेंटिटीज़ में जैसे कि सेक्स थीटा है तो वन प्लस थीटा है और थीटा थीटा। है, है, तो तो वो जब हमें पता है, तो उसका वैल्यू होता है, रूट सेवन होता है तो अगर हम चाहें, तो इनकी वैल्यूज निकाल करके यहाँ पुट कर सकते हैं या फिर यहीं पर ही लिख सकते थे हम इसे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड दिस इज वन प्लस टेन स्कोयर थीटा दिस इज वन प्लस कॉर्ड स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो ये बन जाता वन प्लस बिकॉज हम कॉर्ड स्क्वायर थीटा की बात कर रहे हैं तो सेवन रह जाएगा माइनस वन प्लस अब टेन स्क्वायर थीटा की बात कर रहे हैं तो वन बाय सेवन आ जाएगा यहाँ पर भी यही होगा प्लस आ जाएगा तो आप चाहें तो बिना फिगर बनाए ऐसे भी कर सकते हैं अब ये दो क्वेश्चन मैं लगभग मिलते जुलते लेने जा रही हूं एक में टेन थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा इज टू दे रखा है और टेन स्क्वेयर थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय टेन स्कोयर थीटा की वैल्यू मांगी गई है ये जो क्वेश्चन है ये आपको टेन के अलावा साइन कॉस किसी में भी मिल सकता है क्वेश्चन मिल सकता है आपको साइन थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय सा थीटा टू दे रखा हो और आपसे वैल्यू मांगी जाए थीटा प्लस इसी तरह से कॉस थीटाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टू दिया जाए और आपसे वैल्यू मांगी जाएगी ऐसे याद रखिए यहाँ आपको टू ही मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्यों है ऐसा अब देखिए क्यों है सपोज मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये है हमारे पास टेन थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा इजिक्वल टू टू हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे क्योंकि हमें चाहिए क्या हमें चाहिए टेन स्क्वायेयर थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी तो स्क्रिंग करेंगे तो बनेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टाइम्स टेन थीटा टाइम्स वन डिवाइडेड बाई टेन थीटा और यहाँ पर ये टेन से टेन कट जाएगा आप जानते हैं कि x प्लस वन बाय एक्स टू हो तो दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करोगे तो यहां बनेगा एक्स स्क्स बाय एक स्क्वायर प्लस टू एक्स टाइम्स वन बाय एक्स ये कटेगा हमेशा टू आएगा यहाँ पर और आप इससे एक्स स्क्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं ये आपने नाइन्थ के सेकेंड चैप्टर में इस टाइप की आइडेंटिटीज की थी तो ये उसी पर बेस्ड है अब यहाँ सिर्फ टू बचा है अगर यहाँ सिर्फ टू बचा है तो इस टू को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा इज फोर माइनस टू टू ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे और हमारे पास यहाँ से साइंस स्क्वायर थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय साइंस स्क्वायर थीटा प्लस टू इज इक्वल्स टू फोर आएगा इस टू को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे आंसर टू आ जाएगा सेम ही कॉस्ट में होगा यहाँ भी आंसर टू ही आएगा तो ये जो आपके पास पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा अब हम इस टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं क्या ये दोनों सेम है हो सकता है आप सोचें कि कॉट थीटा को हम वन अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं तो ये क्वेश्चन भी सेम ही होगा पर ये क्वेश्चन सेम नहीं है यहाँ सेवन है आपको सेवन की जगह हंड्रेड थाउजेंड एनी पावर मिल सकती है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस के भी तीनों पार्ट्स हैं जैसे कि आपको साइन थीटा प्लस कौसिक थीटा मिल सकता है टू में और कॉस थीटा प्लस सेक थीटा भी आपको टू में मिल सकता है और यहां पर आपको सेवन की जगह कोई और भी पावर लिखी हुई मिल सकती है आपको ऐसे भी मिल सकते हैं ये क्वेश्चन तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वह देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन में आपने करना क्या है आपने टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को लिखा वन अपॉन टेन थीटा इज इक्वल्स टू टू आप स्क्वायरिंग नहीं करेंगे एलसीएम लेंगे लेफ्ट साइड लाइक दिस और इस टेन थीटा को राइट right साइड पे लेके जाएंगे अगर आप इसकी राइट right साइड को देखें तो ये है टेन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर क्योंकि ये देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन स्क्वायर माइनस टू टाइम्स टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो क्या बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर B है और टेन ए क्या है टेन थीटा है तो हमारे पास आ गया टेन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर जीरो है यानी टेन थीटा माइनस वन जीरो पास theta, होता है वो भी वन हो गया अब ये दोनों ही वन है अब इनके ऊपर कोई भी पावर लगाइए आप आंसर टू ही आएगा अगर आप यहाँ पर थाउजेंड पावर लगाते तो भी क्या फर्क पड़ना था वन के ऊपर थाउजेंड आएगा फिर इधर वन के ऊपर थाउजेंड आएगा वन के ऊपर आप कितनी भी पावर लगाए वो वन ही रहता है सो आंसर टू ही आएगा यानी कि ये क्वेश्चन आपको साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा इजिक्वल्स टू टू से मिल सकता है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा जिसको टू से मिल सकता है और यहाँ पर कोई और भी पावर हो सकती है तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो दोनों में अंतर आपने देख लिया यहाँ पे स्क्वायर्स मांगे गए थे और यहाँ पे कोई और पावर है और साथ में रेसिप्रोकल रिलेशन को लेकर के किया गया है ये देखिए ये क्वेश्चन सेम है तो आप इसे आसानी से ट्राई कर सकेंगे इसी में एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन भी आता है जैसे कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा रूट थ्री है याद रखिए यहाँ टू नहीं दे रखा इसलिए इसमें उस तरह की चीज नहीं लगेगी और हमें ये प्रूव करना है तो अब कैसे करेंगे यहाँ ही मिलेगा आपको ऐसे केस में हम दोनों तरफ का क्यूब ले लेंगे आपने ये नाइन्थ क्लास में फॉर्मूला किया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर सो हम यहां पर यही लगाएंगे याद रखिए कॉस थीटा सेक थीटा का प्रोडक्ट वन होता है तो यहाँ पर ये यूज होगा ये देखिए कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा प्लस थ्री टाइम कॉस स्क्वेयर थीटा सेक थीटा प्लस थ्री टाइम कॉस थीटा सेक्स स्क्र थीटा इज इक्वल्स टू बिकॉज यहाँ पे क्यूब पावर है सो थ्री रूट थ्री टाइम्स रूट थ्री टाइम्स रूट थ्री आ जाएगा और ये बन जाएगा क्योंकि रूट थ्री टाइम्स रूट थ्री थ्री दे देगा सो थ्री रूट थ्री अब हम और ध्यान से देखते हैं यहाँ क्या होगा यहाँ पे ये थ्री है एक कॉस थीटा छोड़ दीजिए एक कॉस थीटा और सेक थीटा मिलकर के वन में बदल जाएगा यहां पर क्या होगा यहां पर भी एक कॉस थीटा और सेक थीटा वन में बदल जाएगा और एक सेक थीटा बचेगा तो क्या हुआ ये ये बना कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा प्लस ये थ्री और कॉस थीटा बचेगा और ये वन में बदल जाएगा क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वन होता है आप जानते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कॉस थीटा टाइम्स वन अपॉन कॉस थीटा होता है जो ये कट के वन आ जाता है सो ये वन है प्लस यहाँ पर भी ये वन है और ये सेक थीटा इज इक्वल्स टू थ्री रूट थ्री अब यहां देखिए यहां आपको कॉस थीटा प्लस सेक थीटा फिर से मिल गया अगर आप थ्री कॉमन लेते हैं तो और इसकी जगह हम फिर से रूट थ्री पुट कर देंगे ये दूसरी तरफ जाके जीरो में बदल देगा और आपके पास आंसर आ जाएगा अब यही क्वेश्चन आपको साइन और कॉसिक में मिल सकता है या टेन और कॉट में भी मिल सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ टू साइन टू थीटा इज रूट थ्री अगर हमें टू साइन टू थीटा रूट थ्री दिया गया है तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हम इसे अकेला करना चाहेंगे तो हम दोनों तरफ टू से डिवाइड कर देंगे ताकि ये टू हट जाए यहाँ से रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू आ गया आप जानते हैं ये किसके इक्वल है ये साइन सिक्सटी डिग्रीज के इक्वल है अब इस समय अगर आप टेबल बनाने बैठेंगे या आपको स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि रूट थ्री बाई टू कोई वैल्यू होती है तो आपसे गलती हो जाएगी इसलिए टेबल को पहले से याद रखना है सबको टेबल पहले से दिमाग में रहता है हमारे दिमाग में वो टेबल बिछा सा हुआ है आपको इतना बढ़िया से उसको याद रखना है कोई ज्यादा वैल्यूज नहीं है वो तो आपके पास अब आ गया है साइन ऑफ टू थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ सिक्सटी डिग्री और टू थीटा इज इक्वल्स टू सिक्सटी डिग्री बाई कम्पेयरिंग काट के नहीं क्योंकि ये अलाउड नहीं है तो थीटा हो जाएगा थर्टी डिग्री सो इसका आंसर आ चुका है थर्टी डिग्री अब यहां पर आपको दिया गया है टेन ओ थ्री एक्स इक्वल्स टू साइन फोर्टी फाइव डिग्रीज जो कि वन बाय रूट टू होता है कॉस फोर्टी फाइव डिग्रीज भी वन बाय रूट टू होता है और साइन थर्टी हाफ होता है अब अगर इस समय आप टेबल बना के इसको करते तो ये क्वेश्चन को करने में बहुत देर लग जाती है अब लेकिन अगर आपको ये वैल्यूज याद रहती हैं तो आप फटाफट कर लो वन बाय रूट टू मल्टीप्लाइड बाई वन बाई रूट टू इज हाफ दिस इज ऑल्सो हाफ सो वन यानी कि टेन थ्री एक्स वन आ गया कब होता है टेन फोर्टी फाइव डिग्रीज पर वन होता है अगर टेन फोर्टी फाइव डिग्रीज पर वन होता है तो थ्री एक्स फोर्टी फाइव डिग्रीज हो गया और अगर थ्री से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो एक्स आ गया फिफ्टीन डिग्रीज सो आंसर है फिफ्टीन डिग्रीज यहां पर हमें वैल्यू निकालनी है थर्टी रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू साइन सिक्सटी इज ऑल्सो रूट थ्रीडू वन प्लस इज हाफ एंड साइन थर्टी इज ऑल्सो हाफ सो दिस इज टू टाइम्स रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू दिस इज वन सो वन प्लस टू कट गया रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ वन मार्क ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है इसलिए लिए गए तो यहां पे हमें के की वैल्यू निकालनी है यहां हमें दिया गया है सेक्स स्क्र थीटा पर हम देख रहे हैं कि हमें वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा मिला है कभी भी हमें ये मिलता है तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा में बदल जाता है फॉर्मुला लग जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा सो ये क्या है कॉस इज इक्वल्स टू के और दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो सेक्स स्क्टा बी वन अपॉन कॉस स्क्र थीटा होता है तो के कितना आ गया वन सो वॉट इज द आंसर के इज वन तो ये थे कुछ वन मार्क् के क्वेश्चन जो मैंने लास्ट ईयर पेपर्स में से लिए हैं या मेरे खुद के असाइनमेंट में थे ये क्वेश्चन जिससे मिलते जुलते क्वेश्चन सैंपल पेपर में पूछे गए और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उन सभी क्वेश्चन को उठा लूँ जो खुद में इंपॉर्टेंट है या उसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं इन क्वेश्चन को करने से आप और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को अपने आप से टैकल कर सकेंगे